कैड अकेडमी एंड सिविल कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी इंजीनियर शालीन सिंह रजिस्टर्ड नगर निगम सागर मकरोनिया नगर पालिका एवं TNCP से कराएं नक्शे पास MIG 93 रोड सागर। बुंदेलखंड में दीपावली के त्योहार को देखते हुए सागर छतरपुर दमोह में कुम्हारों के हित में अहम फैसला लिया गया है, जहां इन कुम्हारों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सागर कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक और दमोह कलेक्टर तरुण राठी ने ये निर्देश दिए हैं। तो छतरपुर के नौगांव में CMO बसंत चतुर्वेदी ने भी कुम्हारों के हित में ये अहम फैसला लिया, जिससे कुम्हार खुश हैं। अभी मतलब काफ़ी दिन हो चुके। पढ़ाई कहाँ रखी आपने? हमने BA भी किया, DCA भी किया, अभी MA रनिंग है। और तो आप इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही आपको और आप ये काम कर रही हो, ऐसा क्यों? हाँ, अब मजबूरी है, घर का काम तो करना पड़ेगा वरना घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो सरकार कोई योजना देती है आपको जिसका आपको लाभ मिल सके? सरकार की योजना से कोई सहायता राशि मिलती है आपको सरकारी तरफ से? नहीं, अभी कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसी चलती कम जो चाहे ना के व्यक्ति हमारे कम व्यक्ति दिया और हमारे बहुत कोशिश करते कि व्यक्ति बहुत दिन से बनाते 2-3 महीना पहले से भी, और तो अभी कम व्यक्ति बच जाते, बच्चों भी लगे रहते, हम भी लगे रहते, तो अभी वो कम व्यक्ति। लेकिन सरकार कुछ मदद देती नहीं है, ना बच्चों को पढ़ा पाते, इसी में लगे रहते हम बच्चों सब कोई पढ़ाई नहीं करती हैं, क्योंकि सरकार से मैं यही गुजारिश है कि जो दिए चाइना के दिए बना वो बिक रहेंगे, और जो हम लोग कुम्हार बना रहे हैं, हम लोग मिट्टी के दिए बनाते हैं, वो नहीं बिक पा रहे हैं। चाइना के अधिक से अधिक बिकती हैं, जो नहीं बिक पाती, क्योंकि लोगों को वो अच्छी लगती हैं, जो अच्छी लगते हैं। इसलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि यही दिए बेचें, यही दिए बनाएं, क्योंकि हम लोग 10 बहन आएंगे और एक भाई आएगा, और पापा इतना गुजारा कर नहीं पाते क्योंकि वो मजदूर होंगे और उनकी मजबूरी है, इसलिए हम उन लोग का हाथ बटाते हैं और तो पैसे नहीं हो पाते, इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग की यही मजबूरी है। लकड़ियाँ भी खरीदती हैं, कंडा भी खरीदती हैं, जैसा भट्टा भी अपन ने लगाया है, मिट्टी भी सब मूल आती है, हम लोगों का कोई मतलब मिट्टी का भी ठिकाना नहीं है, कब मिट्टी बंद हो जाए, कब ये काम बंद हो जाए, यही हिसाब हम लोगों ने मतलब रोक लगी जाता अपने आप में मन बन रहा कि क्या करिए भगवान, कर रहा साहब मजबूरी जब तक जैसे चले, सरकार तो सब कोई मदद नहीं हमारे पास। ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे छोटे लोग आते हैं, ये लोगों को क्या है कि असुविधा न मिलने से, या जो हमारे यहाँ वसूली करते हैं वो ज़्यादा ठेके पे है, चूँकि यहाँ की वसूली ज़्यादा वसूली वसूलते हैं, तो क्या है छोटे लोगों को इससे काफ़ी नुकसान होता था। तो परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया और परिषद से जब चर्चा की तो सब लोग तैयार हुए, माननीय विधायक जी से चर्चा हुई, सब लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि अध्यक्ष महोदय ने भी बोला कि अपन ऐसा करते हैं कि इन लोगों को जो राशि है वो माफ़ करते हैं और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ देंगे, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं उनको जब सुविधाएं मिलेंगी तो उनके दीपक यहाँ जब आएंगे तो अपने क्षेत्रीय दिए जो होते हैं उनका ज़्यादा प्रचलन होगा, और जो चाइनीज़ दिए लोग लेके आते हैं बाहर से उनका कम यूज़ होगा, और अपने जो क्षेत्रीय दीपक हैं लोगों के द्वारा, ये छोटे लोगों के जो बनाए जाते हैं उसके लिए ज़्यादा कारगर होगा, ऐसा मानना था, इसलिए ये आदेश दिया गया। बता दें कि भारतीय परंपराओं में आधुनिकता हावी होती जा रही है। दिवाली रोशन करने वाले मिट्टी के दियों की जगह चाइनीज दियों ने बाजार में जगह ले ली है, जिससे कुम्हारों को रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी है। कुम्हारों की इन सब परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कलेक्टर साहब को बहुत अच्छा आदेश है, जो कि हमारो बाजार बैठ की न लगे, हमारो जो मिलन लगे अच्छा किया है। अब दिया बिकने लगे, पहले बिकने हाथी, बहुत अच्छा किया कलेक्टर साहब ने।
ये अब कलेक्टर के आदि अनुसार अब सूचना मिली हम लोगों के कि हम लोगों की दुकानदारी में बैठ की नहीं लगेगी, हम लोगों की इतनी सुविधा दी कलेक्टर साहब ने, और आगे अब जो कछु नगर पालिका करे या कलेक्टर साहब करे हम लोगों को जानकारी है। दिया की मांग के लाने ऐसा है कि अब जब मार्केट में जाए तो मांग के हिसाब से अपन को जानकारी मिले कि का मार्केट बता रहा हूँ। मौसम की मार रही है इस बार तो? नहीं, मौसम तो गड़बड़ है, मौसम के हिसाब से धंधा कम है, दिया कम बन रहा है, बाहर से दिया आ रहा है, ऐसे दमो में सप्लाई हो जाए। तो क्या लगता है इस बार दिया की मांग रहेगी कि नहीं रहेगी? दिया की मांग तो हसा ही नहीं रहती है, लेकिन कहा है कि हम लोगों का धंधा नहीं मौसम के हिसाब से होगा। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये हमें जैसे ही संज्ञान में आया कि इस तरीके से हम कुम्हारों की और मिट्टी के दिए बनाने वालों की मदद कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि हमें ऐसा आदेश जारी करना चाहिए, तो हमने इस तरीके का आदेश जारी किया। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस आदेश से जो मिट्टी के दिए बनाने वालों को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, लोगों से भी हमारी अपील है कि वो दीपावली के इस पर्व पर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दियों का उपयोग करें, ताकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज़। इंस्पायरिंग कैट एकेडमी एंड कंसल्टेंसी बनाएं अपने सपनों का घर इंजीनियर शालीन सिंह के साथ, एवं नक्शा पास कराएं नगर निगम एवं TNCP से रजिस्टर्ड इंजीनियर, विगत 6 वर्षों से सागर का एकमात्र ISO सर्टिफाइड एकेडमी, ऑटो कैट, रेविट, 3DS मैक्स, स्टैक प्रो, मैक्स रोड, इन सभी सॉफ्टवेयर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है। मैपिंग, प्लानिंग, एस्टीमेटिंग, टोटल स्टेशन सर्वे, उत्तम गुणवत्ता के साथ सभी प्रकार के सिविल इंजीनियर के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है MIG 9 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, तिली रोड, सागर।